एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी लोग की डिमांड आई थी जब हमने निंजा 500 से किया कि निंजा 400 से करो, और तो फाइनली आज निंजा 400 अपने चैनल पे आ चुकी है। और पावर फिगर्स की अगर बात करें तो ये है 47 पीएस की पावर प्रोड्यूस करती है, ये 45 पीएस की पावर प्रोड्यूस करती है। टॉक की बात करें तो 35 NM टॉक ये प्रोड्यूस करती है और 39 NM टॉक अप्रीला प्रोड्यूस करती है। तो ये है डिफरेंस दोनों गाड़ियों में पावर और टॉक फिगर्स में। बाकी दोनों ही डुअल सिलेंडर मोटरसाइकिल्स हैं और इंजन टाइप में डेफिनेटली बहुत डिफरेंस है, जिसकी वजह से मेजर डिफरेंस आता है साउंड में। तो निंजा 400 इज मोर लाइक जैसे कावासाकी को आप सोचते हो कि साउंड करेगी, वैसी ही साउंड करती है। अप्रीला को आप जैसे सोचते हो, जैसे इसके जो बड़े सिबलिंग्स हैं उनको देख लो आप, 660 को देख लो, RSE4 को देख लो, डुअल सिलेंडर आपको इटालियन वाला फील देगा, जैसे डुकाती साउंड करती हैं, कहीं ना कहीं साउंड, स्टार्टिंग साउंड वो सब वैसे ही लगता है। तो सबसे पहले निंजा की आवाज़ सुना देते हैं आपको, निंजा 400 की आवाज़ सुन लो। और निंजा 400 को डिसकंटिन्यू करके निंजा 500 लॉन्च की गई है। स्पीडोमीटर तो मुझे ऐसा लगता है कि डाउनग्रेड कर दिया गया है, इवन ये बेटर लगता है। इतनी महंगी आती है, 5.5 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ती है निंजा 500, बट स्पीडोमीटर वही चिंटू मिंटू सा दिया है उन्होंने। बट उसके अलावा कावासाकी इंजन अच्छे देता है, तो इंजन डेफिनेटली इसका भी अच्छा है और निंजा 500 का भी काफ़ी अच्छा है। इसमें बाकी एनालॉग डिजिटल कॉम्बिनेशन मिल जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो डुअल चैनल ABS के अलावा और कुछ भी आपको नहीं मिलता है सच। बाकी आ जाते हैं अप्रीला पे, अप्रीला में बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, डिस्प्ले मिल जाता है, राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, मतलब जितनी चीज़ें आप एक इस कैटेगरी की बाइक से एक्सपेक्ट करोगे वो सब एकदम भर दिया है ब्रांड ने। बहुत ही खूबसूरत सा डिस्प्ले है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, 3 राइडिंग मोड्स हैं, 4 लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल के हैं। आवाज़ सुनो, वही टिपिकल ट्विन की आवाज़ है, मतलब जो नॉर्मल ट्विन होता है वैसा नहीं, एकदम डिफरेंट। तो ये हो गई अपनी RS 457 की आवाज़। और इस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं, आप लोग कुछ भी ट्राई मत करना, दैट इज़ द मेन रीज़न कि हम इतना दूर आते हैं घर से 30-40 किलोमीटर दूर शूट करने, बिकॉज ये हाईवे एकदम खाली रहता है, ये स्ट्रेच एकदम खाली रहता है और यहाँ भगाना सेफ है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। इस वाले रेस से पहले मैंने साड़ी गार्ड हटवा दिया, अब तो लुक और 10/10 हो गया। साड़ी गार्ड बहुत अगली सा होता है, नॉर्म्स की वजह से ब्रांड्स को ऐड करना पड़ता है, बाकी किसी कंट्रीज़ में मतलब ऐसा साड़ी गार्ड और ये सब कुछ भी नहीं आता है, बाइक जैसी है वैसी आपको मिलती है। तो अब और सेक्सी लग रही है पीछे से, एंड लोग बहुत पीछे पड़े थे यार, निंजा 500 नहीं, निंजा 400 लेके आओ, तो फाइनली निंजा 400 इज़ हियर। और क्या लग रही है भाई, मतलब अप्रीला क्या लग रही है स्पेशली, निंजा तो चलो ठीक है हम देख चुके हैं डिज़ाइन, उतना मैच्योर नहीं लगता, बट अप्रीला क्या बनाई है 10/10 भाई, ज़बरदस्त बनाई है, मज़ा ही आ गया देख के। ये देखो आवाज़ भी सुन लो फिर से एक बार, बहुत पैसा खर्च होता है भाई। S1000 का इंश्योरेंस हो रहा है, दैट इज़ 50,000, 50,000 का इंश्योरेंस रिन्यू होगा और 50,000 का रजिस्ट्रेशन होगा अप्रीला का भाई, 1 लाख रुपये फ्लैट ख़त्म। तो बाइक रखना इजी है, बाइक को मेंटेन करना इज़ मोर डिफ़िकल्ट, हाथी ले लो बट पालने में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और एक बाइक ले लो तो दूसरी नहीं चलती, और ले लो तो ड्यूक खड़ी है, ड्यूक खड़ी तो RS खड़ी है, बहुत सीन रहता है भाई। इतनी सारी बाइक्स हो गई, घर वाले अलग गुस्सा करते हैं। निंजा 400 आ रही है भाई, ये क्या हो गया, चलो अप्रीला आ जाओ पावर बैंड में, आ गई।
थे 400। क्या बात है, सेगमेंट किलर फॉर अ रीजन। अब आ रही है निंजा, और एक्चुअली मैं बैग भी टांगे हूँ, आज कार्बोनाडो है तो बहुत ज़्यादा विंग ड्रैग क्रिएट कर रहा है, और आज विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा है ना कि 190 पहुँच जाए बहुत बड़ी बात है। कह रहा हूँ आज विंड ब्लास्ट बहुत है, बहुत विंड ब्लास्ट है भाई, टक्कर दे रही इसको। हाँ, आ गई थी बीचों बगल में, हाँ लॉन्च में वही 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 यूं आ गई थी बगल में ना, निकल जाएगी क्या भाई, निकल हाँ। का बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, और मेरा बैग मुझे पीछे खींच रहा है भाई, हमने कहा 5-6 किलोमीटर की स्पीड तो बैग ही कम कर दे रहा है। ओ भाई साहब, लेकिन ये बढ़िया था यार। हाँ, इसमें मजा आया। चलो हाँ, अभी राइडर स्विच कर लेते हैं, और निंजा 400 एक बार के लिए साथ में थी, पहली बाइक अभी तक कोई मिली है जो थोड़ी देर तक साथ में टिक पाई है, विच इज़ निंजा 400। लेट्स गो भाई, पहले गियर में भी नहीं, दूसरा गियर लगा उठ रही। हाँ, उठ गई थी, तभी मैं थोड़ा धीरे कर लिया, मैंने कहीं इधर ना आ जाए उठ के। चलो 3 हॉर्न, अरे यार गियर फंस रहा है, शिट यार, चलो कोई नहीं, अप्रिला का भी फंसा था, रेस फेयर हो गई। और विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा है यार, इतना विंड ड्रैग फील हो रहा है, इतना विंड ड्रैग फील हो रहा है। कम ऑन निंजा, थोड़ा सा और भाग लो, थोड़ा सा और। देखो फिफ्थ गियर मैक्स आउट नहीं हो रहा है, इतना विंड ब्लास्ट है। गियर अटक गया था, चलो कोई नहीं, रिजल्ट आपको यही रहने वाले थे, क्योंकि अप्रिला का जब अटका तो अप्रिला ने तो पीछे कर दिया, तब भी मेरा एक गियर सेकंड से थर्ड में हल्का सा अटक गया था, रिजल्ट वही रहने वाले। लेकिन हाँ, ये पता है विंड ब्लास्ट की वजह से भाग नहीं पा रही है, संघर्ष कर रही है, मुझे लग रहा है ये 195 के अराउंड जाती है। हाँ हाँ, ये 179 पे एकदम हाँ पॉइंट इतना रुक, वही बढ़ ही नहीं रहा था भाई, एकदम हिल ही नहीं रही है, पांचवा गियर मैक्स आउट नहीं हो पा रहा था जल्दी। मुझे लग रहा है मसला क्या है ना, जिसकी गाड़ी है वो चलाता बहुत कम है, जब से लिया सिर्फ 4-5 हज़ार किलोमीटर, थोड़ा और खुलने की जरूरत है गाड़ी को, गाड़ी को खुलने की जरूरत है, टक्कर दे देगी, टक्कर देगी। तो खैर, ये था वीडियो, कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। निंजा 400 स्टिल थोड़ा सा कॉम्पिटिशन फील हो रहा है, पहली बाइक लगी इस सेगमेंट की जो थोड़ा कंपटीशन दे रही है अप्रिला को, बट जैसे अप्रिला क्या होता है, अप्रिला के सेकंड से थर्ड में कभी कभी मेरे से गियर फंस रहा है, तो वैसे ही इसमें भी हुआ मेरे से, अब पता नहीं मेरे अंदर प्रॉब्लम आ गई है क्या कुछ, जस्ट किडिंग गाइस। तो वो भी मैनेज कर देती है, गियर भी फंसता है तब भी हरा देती है, तो वही आज हुआ, पहले उसमें फंसा फिर उसमें फंसा, बट एंड रिजल्ट वही है, अप्रिला एकदम बेस्ट लॉन्च की गई, तो डेफिनेटली अप्रिला ही विनर है, अप्रिला ही जीती है। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का टाइम आ चुका है, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लो, सी यू सून नेक्स्ट व्लॉग, राइट सेफ स्टे सेफ, एंजॉय गाइस एंजॉय, और किसी बाइक के साथ देखना है तो कॉमेंट्स में भर डालो।